मोदी ने नहीं बोला था, वो नहीं बोला था गाड़ी के नीचे कुत्ता का पिल्ला आ जाएगा, वो कुत्ता का पिल्ला किसको बोला कि गर्लफ्रेंड वाली बात है, तो वो किसको बोला था, रेनकोट का प्रधानमंत्री वो किसको बोला था। तो यही बात है कि जो अब सत्ता में है वो कुछ नहीं कर सके, कौन सा इल्जाम लगाया जाए जिससे उसको भी दबाया जा सके, तो उन पर ये निश्चित बढ़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए तो वो 8-8 का टीम बना के एमपी का और अलग अलग उसको टारगेट दिया जाता है कि अब भाई 2024 का है, मोदी के भरोसे नहीं होगा, आप लोग अपना स्टेट के मंत्री हो या एमपी हो, उनको ईडी सीबीआई से डराया गया। ने कहा है कि राहुल गांधी के जो है सदन में वापसी, एक सेकंड बात मानिए, उनको डराया गया। मणिपुर में राहुल गांधी पहुंचे और पूरा एनडीए टूट पड़ा, एक तो ये खुद गए नहीं, ना उस पर बोलने दिया गया, आम जनता बोल पाए या कोई न्यूज चैनल बोल पाए, यूट्यूबर उनका तो जो गोदी मीडिया है वो अपना बोलता रहा, जो लोकल पत्रकार है वो बोल पाए, इसके लिए इंटरनेट ही बंद कर दिया गया। जो रेप कांड हुआ था वो लगभग 81 दिन बाद लोगों के नजर में आया था। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी और आप सभी लोगों का स्वागत है द इंडियन खबर पर। राहुल गांधी फिर से जो है संसद में गरजेंगे और संसद भवन में जब उनकी आवाज़ गूंजेगी तो शायद सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के लिए अब नई मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। राहुल गांधी की जिस तरह से सदस्यता गई थी, उनका जो है बंगला छीन लिया गया था और सूरत कोर्ट ने कह दिया था कि जो सूरत के जो है निचली अदालत ने फैसला दिया था 2 साल का सज़ा, उसके ऊपर कहा था कि हम रोक नहीं लगाएंगे, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी के जो है सदन में वापसी होगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो वायानाड की जनता ने उनको चुनकर भेजा है तो उनके साथ अन्याय होगा। राहुल गांधी मणिपुर को लेकर, अडानी को लेकर लगातार आक्रामक है और आज जिस तरह से फैसला आया वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए जो है नींद उड़ाने वाला जो है कह सकते हैं कि क्षण होगा। एक साथी हैं, बिहार में ही हैं फिलहाल घूम रहे, तो एक साथी है कमर अफजल नाम है, पत्रकार है भाई साहब, तो इनसे भी जुड़े बातचीत करें। अभी जैसे राहुल गांधी का इतना बड़ा मुद्दा आया, सदस्यता उनकी ख़त्म हो गई और फिर सदस्यता आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने रीस्टोर कर दी है, तो क्या लग रहा है 2024 का क्या कुछ समीकरण अब बदलेगा? सबसे पहले कि आपने हमें अपने चैनल में लिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आप हमको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से रीस्टोर कर दिया, उसका जो सदस्यता गई थी उसको फिर से कंटिन्यू करने को कहा गया है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गुजरात वही है जो गोधरा कांड हुआ, गुजरात वही है जो 2002 हुआ। गुजरात में लोकतंत्र प्रॉपर काम नहीं करता है, अगर काम करता तो जिस महिला के साथ रेप हुआ था तो उस महिला ने, हाँ बिल्किश की बात कर रहे हैं, उसने हाई सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोला था कि गुजरात से हमारे केस को बम्बई हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया जाए। हमको ये बात याद रखनी होगी कि गुजरात में लोकतंत्र है ही नहीं, न्यायपालिका बिल्कुल सुनने काम करता है, वो बीजेपी के इशारों पे ही काम करता है। आप देख सकते हैं कि खुद नरेंद्र मोदी पर क्या क्या इल्ज़ाम लगे, उसके बाद अमित शाह पर क्या इल्ज़ाम लगे और दोनों कंटिन्यू चल रहे हैं। इसी पर ये लोकतंत्र में जो सबसे पहले राहुल गांधी के साथ हुआ, ये बिल्कुल अन्याय कि विपक्ष का बिल्कुल ही मुँह बंद कर दिया जाए, वो बोल ही नहीं पाए। इसी के लिए चाहे वो जैसे अन्य जो स्टेट के मंत्री हो या एमपी हो, उनको ईडी सीबीआई से डराया गया। उनको डराया गया। अब सोचा कि राहुल गांधी पर कौन सा इल्जाम लगाया जाए जिससे उसको भी दबाया जा सके, तो उन पर ये एक पुराना मामला था जो चुनाव के समय लगभग 2019 कर्नाटका का था, वो भी चुनाव के समय का था। वो हर लोग बोलते हैं, क्या नीतीश को मोदी ने नहीं बोला था, वो नहीं बोला था गाड़ी के नीचे कुत्ता का पिल्ला आ जाएगा, वो कुत्ता का पिल्ला किसको बोला था? ये अब पचास लाख की गर्लफ्रेंड वाली बात है, तो वो किसको बोला था, रेनकोट का प्रधानमंत्री वो किसको बोला था। तो यही बात है कि जो अब सत्ता में है वो कुछ भी कर सकता है और संविधान को बदलने का क्या फेक। आज जैसे राहुल गांधी के पक्ष में फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सदन फिर से वापसी करें, और चूंकि जो मानहानि के केस में अब तक इतना बड़ा फैसला नहीं आया, इतना बड़ा फैसला आया, तो आपको लगता है कि आप मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए कुछ परेशानी बढ़ जाएगी? परेशानी तो निश्चित बढ़ी थी, निश्चित बढ़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए तो वो 8-8 का टीम बना के एमपी का और अलग अलग उसको टारगेट दिया जाता है कि अब भाई 2024 का है, मोदी के भरोसे नहीं होगा, आप लोग अपना देख ले। तो राहुल गांधी जैसे सवाल उठा रहे थे अडानी के ऊपर और उसके बाद उनकी सदस्यता फौरन बात जाएगी, और अब मणिपुर का मुद्दा है और लोकसभा में ये भी बात पास हो गया कि मणिपुर पर चर्चा होगा, बहस होगा, तो अब मणिपुर से लेकर राहुल गांधी को किस तरह देखते हैं, क्या कुछ राहुल बोलने वाले हैं मणिपुर को लेकर?
जिस तरह से मणिपुर में राहुल गांधी पहुंचे और पूरा एनडीए टूट पड़ा, एक तो ये खुद गए नहीं, न उस पर बोलने दिया गया, आम जनता बोल पाए या कोई न्यूज चैनल बोल पाए, यूट्यूबर उनका तो जो गोदी मीडिया है वो अपना बोलता रहा, जो लोकल पत्रकार है वो बोल पाए, इसके लिए इंटरनेट ही बंद कर दिया गया। जो रेप कांड हुआ तो वो लगभग 81 दिन बाद लोगों के नजर में आया था, ये भी एक शर्मनाक घटना है। और सभी जानता है कि बीजेपी एक ऐसा सरकार है, एनडीए एक ऐसा सरकार है जो हमेशा बहुसंख्यक के साथ रहा, चाहे वो गलत हो या सही हो, उससे दो मत नहीं। आप गोधरा कांड में वो किसके साथ थे, आपको हरियाणा में हो रहा है किसके साथ है, आप वो मणिपुर में हो रहा है वो किसके साथ है, वो कभी चाहे, क्योंकि वो जो जिसके जिसके साथ वो विक्टिम है उसका केवल 20 विधायक है और उसके 40 विधायक है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप कैसे नेता के तौर पर देखते हैं? राजनीति में दो तरह के लोग हुआ करते थे, एक है तो ग्रास रूटर, एक होता था पैराशूटर। तो राहुल गांधी को शुरू से पैराशूटर माना गया था, लेकिन ये जब खुद समझे अपने आप को मार्केट में आके तौले तो वो ग्रास रूटर बनने की कोशिश कर रहे हैं और सफल भी है। तो मगर उनको जब सदन से बाहर किया तो लोगों को लग रहा था ना कि राहुल गांधी जो है मतलब मैदान में आने से पहले ही आउट हो गए। नहीं नहीं, मैं लोगों को लिया लग रहा था वो नहीं, भारत के लोग इतना मानसिक रूप से कमजोर नहीं है, ये विश्व गुरु रहा है और रहेगा ही। ये छोटी मोटी तुच्छ घटना की जाती है सरकार के द्वारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे समाज पे, हमारे लोकतंत्र पे या एकता पर। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि जिन चीजों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, जो कुछ भी रास्ते में आएगा मैं उनको फेस करता हूँ, अब बढ़ूंगा। तो अब क्या लगता है, अब क्या बोलेंगे राहुल? इसमें कोई दो मत नहीं है, उन्होंने जो भी जो लोअर कोर्ट का फैसला आया था उसको भी बजाबते माना और उसको सम्मान दिया, उसके विरुद्ध में कभी बोले भी नहीं। और वो खुशी का पल है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला और उसको फिर से उसका सेशन को रिस्टोर कर दिया गया है, तो जो वायनाड की जनता हो या भारत की जनता हो या जो एंटी एनडीए है उनमें खुशी की लहर है। नेता के तौर पर कैसे देखते हैं आप? नेता के तौर पे तो हम बहुत ही अच्छा देख रहे हैं। शुरू में ने कहा है कि दो ही तरह का नेता होते थे, ग्रास रूटर पैराशूटर। तो एक युवाओं के बीच में या आम जनताओं के बीच में भी उनको माना जाता था कि वो पैराशूटर है, लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा किया है इससे लगा कि वो जमीन से जुड़ कर ग्रास रूटर बने हैं। ठीक है, एक रितेश जी हैं और बिहार के हैं, युवा बिहार के युवा में बड़ा नेता का जो है एक कहते हैं कि देश को बदलने की या राज्य को बदलने की बड़ा मतलब कि उनके अंदर एक मोहब्बत होती है कि वो काम करे। रितेश भाई, अभी जैसे राहुल गांधी वगैरह का जो है पूरा मामलात को देख रहे थे आप सोशल मीडिया या मीडिया पर? जी देख रहे थे। अच्छा, तो जब पहले उनको जो फैसला सुनाया गया, उनकी सदस्यता रद्द हुई, तो पहला रिएक्शन क्या मन में चल रहा था? मन में चल रहा था कि बहुत गलत हुआ है, लेकिन हम लोग भारत के न्याय पर और कोर्ट के फैसला का इंतजार कर रहे थे, फिर फैसला आपने ही ने कहा कि आया है तो अच्छा ही है। अच्छा, तो राहुल गांधी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति है तो उन दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मोदी तो एक हमेशा उनका एक अलग मुद्दा रहता है, राम भगवान श्याम, और राहुल गांधी का मुद्दा हमेशा रहता है कि पढ़ाई दवाई और शिक्षाएं, ये चीज़ ही युवा की ज़रूरत है, युवा की दूसरा चीज़ क्या चाहिए? पढ़ लिख कर कड़ा है मोदी जी पकौड़ा बेचे, तो ये चीज़ ना असंभव है। तो अभी जैसे उनका सदस्यता फिर से वापस आ गए, तो युवा किस तरह से इस फैसले को देखता है? युवा बहुत खुश है, क्योंकि युवा प्रधानमंत्री देश को चाहिए और युवा ही देश को चला सकता है। अच्छा, ये तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा गर्म हो जाता है ना बार बार? ये तो ना समझ लोग हैं, जो कुछ उसके दलाल लोग हैं, इसके वजह से हिंदू मुस्लिम होता है बस समाज। वोट तो हम लोग देते हैं राहुल गांधी को, लेकिन उसमें सिस्टम में क्या करता है नहीं करता है, वो अपना सिस्टम खराब है कि ईवीएम खराब है, कहना मुश्किल है। खुद जीत जाते हैं, मनमानी से जीतते हैं। अच्छा, तो अभी जैसे आया तो खुशी है मन में थोड़ा बहुत राहुल जी? बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि हम युवा हैं और हमेशा चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, हम उसके साथ हैं। ठीक है, तो पूरे देश भर में इस बात को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के फैसले को फिर से पलट दिया और राहुल गांधी के खिलाफ होने वाले फैसले का कहा है कि जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता तब तक वो लोकसभा में सदस्य बने रहेंगे। देश भर का माहौल खराब है, कभी मेवात में किसी इमाम को जो है मस्जिद से निकाल कर मार दिया जाता है, कभी मणिपुर में जो है दो औरतों को नंगा जो है रोड पर चलाया जाता है, तो कभी इस तरह के मामलात होते हैं कि आसाम में किसी मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग होती है, तो कभी दलितों के साथ अत्याचार बढ़ता है। अब देखते हैं कि हालात तो बदल रहे हैं, मगर इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कांग्रेस के लिए खुशखबरी जरूर है, मगर जो लोग ये सोच रहे थे कि अब जो है देश का न्यायपालिका थोड़ा कमजोर हुआ है, उनके मन में एक आशा भरी नजर जरूर पड़ी होगी कि राहुल गांधी की फिर से सदस्यता बहाल हो गई, राहुल गांधी फिर से सदन में जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने कहा है कि गरजने के लिए राहुल तैयार है, तो अब देखते हैं कि मोदी के खिलाफ वो क्या कुछ बोलते हैं और सदन में क्या कुछ चलने वाला है। रजा अंसारी की रिपोर्ट।